टू माई यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माइक्रोट्विक राउटर को बेसिक इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कैसे कॉन्फिगर किया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि माइक्रोट्विक की इमेज को आप कैसे VMware वर्कस्टेशन पर इंपोर्ट करके उसे कॉन्फिगर कर सकते हैं, राइट, और उसे कैसे रन कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बताऊँगा कहाँ से डाउनलोड करना है आपको माइक्रोट्विक की इमेज को और उसे VMware वर्कस्टेशन पर कैसे इंपोर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए मैं माइक्रोट्विक की वेबसाइट पर चला जाता हूँ जहाँ से आपको इमेज को डाउनलोड करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा माइक्रोट्विक फोल्डर। सो सबसे पहले जो पेज ओपन होगा उसमें जो फर्स्ट URL है माइक्रोट्विक.com, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ये बहुत सारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद सेक्शन मिलेंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर का। आप सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन पर क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करके नीचे एक ऑप्शन मिलेगा क्लाउड होस्टेड राउटर। सो क्लाउड होस्टेड राउटर पे चले जाइए। यहाँ पे देखिए VHDX VMDK इमेज है। सो VMware वर्क स्टेशन के लिए आपको VMDK इमेज चाहिए होगी। तो ये सारे वर्जन आपके पास दिख रहे हैं जो लॉन्ग टर्म से चल रहा है, जो स्टेबल है, इसका लेटेस्ट वर्जन ये है, एक बीटा वर्जन टेस्टिंग चल रहा है। तो आप स्टेबल जो भी वर्जन स्टेबल हो आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से ये डाउनलोड कर दिया कि जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा उसको आप कॉपी कर लीजिए और आपके इसको हम उसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट कर देंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो देखिए ये एक्सट्रैक्ट होके आ गया। इसको हम कॉपी कर लेंगे अपने डेस्कटॉप पर और देखते हैं कैसे इसको इंपोर्ट करते हैं। तो ये मेरा VM इंफ्रा है। तो ये यहाँ पे मैंने कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। देखिए आप पेस्ट करते हैं क्योंकि VMware वर्क स्टेशन मेरे इस मशीन पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो उसकी इमेज यहाँ पे शो होने लगी है। तो अब इसे कैसे इंपोर्ट करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये VM वर्क स्टेशन ओपन कर लिया मैंने। इसके बाद आप चले जाइए न्यू मशीन, न्यू विंडो या न्यू वर्चुअल मशीन पर चले जाइए। उसको यहाँ ऑप्शन आ रहा है कस्टम, कस्टम के बाद आप नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए VMware वर्जन आप किस पर सिलेक्ट करना चाहते हैं, राइट। तो जैसे मैं 17 डिफॉल्ट है तो मैं डिफॉल्ट पे ही रखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है इंस्टॉलर डिस्क इमेज। सो यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अगर यहाँ से डेस्कटॉप पर आ रही है, नहीं आ रही है, तो इसको हम ये लिखेंगे आई विल री इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। इसको नेक्स्ट कर देंगे। सो यहाँ पे लेटर करेंगे तो यहाँ पे अदर ऑप्शन आएगा। इसके बाद आएगा यहाँ पे अदर 64 बिट, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपने VM मशीन का नाम दे दी, तो मैं दे देता हूँ माइक्रोटिक रोटिक और इसकी लोकेशन जहाँ पर इसकी आपको मशीन सेव करनी है उसकी लोकेशन दे दी है। सो लोकेशन में जैसे मेरी सारी मशीन मैंने अपने डी ड्राइव में एक फोल्डर बना के रखी हुई है, तो जैसे माइक्रोटिक का एक ऑलरेडी फोल्डर बनाया हुआ है मैंने, तो इस पर ओके करके मैं नेक्स्ट कर दूंगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। कंटिन्यू कर दिए। यहाँ पे पूछ रहा है प्रोसेसर, नंबर ऑफ प्रोसेसर कितने देने हैं। नंबर ऑफ प्रोसेसर 1 दे दीजिए, नंबर ऑफ कोर पर प्रोसेसर यहाँ पे आप 2 कर दीजिए। एस दिस कॉन्फ़िगरेशन एज पर योर सिस्टम जिस पर ये VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल है उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे ये रैम पूछ रहा है, तो रैम बाई डिफॉल्ट इसने 256 लिया है, तो हम इसको 1 GB दे देंगे। 1 GB देने के बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है यूज द नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। सो आप इसे बाय डिफॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, रिकमेंडेड आईडी, नेक्स्ट, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क और एग्जिस्टिंग। सो यूज एग्जिस्टिंग पे क्लिक करके यहाँ पे आप उस फाइल को इंपोर्ट कराएंगे जो आपने
सेव किया था, ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव की थी, यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन कर दिया। नेक्स्ट करूँगा, ये पूछेगा कन्वर्ट एग्जिस्टिंग।